प्रदेश गोवा उत्तराखंड मणिपुर और पंजाब में हुए चुनावों में पंजाब राज्य को छोड़कर चारों राज्यों में बहुमत से भाजपा की जीत के प्रति उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी पुतला पहुंचकर ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाइयां और मिठाइयां बांटी। पांच राज्यों में जारी मतगणना और प्रथम चरण के निकलने वाले रुझानों से स्थिति स्पष्ट होती और भाजपा भारी जीत के करीब पहुंचती दिखाई दे रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य डॉ. राजीव पोद्दार, वरिष्ठ भाजपा नेता सोनवा मुसले, डॉ. विजय धोटे, रामराव मोवाड़े आदि के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर ढोल ताशी और आतिशबाजी करते गांधी चौक पहुंचने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमघट लगकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे के साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के साथ कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए डॉक्टर राजीव पोद्दार ने कहा कि यह जीत विकास की जीत है, यह जीत विश्वास की जीत है। तो वहीं वरिष्ठ नेता सोनवा मुसले ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी किसी पार्टी को लगातार दो बार कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं चुना, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ के पिछले पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर हुए विकास पर जनता ने विश्वास कर उन्हें विजयी बनाया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मोवाड़े ने कहा कि इस जीत ने बता दिया है कि जनता क्या चाहती है और यह आगामी चुनावों में भी देखने मिलेगा, खासकर महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम, महानगर पालिका, नगर पंचायत चुनावों पर भी इस जीत का असर स्पष्ट रूप से झलकेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए गए इस आनंद उत्सव में नगर सेवक तुषार उमाटे, रविंद्र ठाकुर, भाजपा शहर अध्यक्ष मंदार मंगले, अमित झोड़ापे, सोनू नवधिंगे, मनीष चित्तेवान, नरेंद्र ठाकुर, स्वप्निल पारवे हसित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। केवल उत्तर प्रदेश नहीं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन चारों राज्यों में बहुत शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवारों ने किया है, पार्टी ने किया है। और जहां तक पंजाब का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी वहां पे कोई बहुत ताकतवर पार्टी तो है नहीं, लेकिन पंजाब में भी कांग्रेस को जिस हिसाब से हार माननी पड़ी या जिस हिसाब से वो पराजित हुए हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में हम अग्रसर हो रहे। मोदी जी से लेकर गडकरी साहब तक, देवेंद्र जी तक, हमारे यहाँ के लोकल नेता तक, सबका साथ सबका विकास, सेंट्रल से गरीबों तक हमारा जो भी लोगों के लिए जो मिलता है, किसानों को मिलता है, गरीब लोगों को अनाज मिलता है, वो डायरेक्ट उनके खाते में जाता है और घर में मिलता है। इसीलिए पूरे भारत देश में चार राज्यों में हमारी जी सरकार बैठने जा रही है। 37 साल बाद में रिपीट हुई है, रिपीट कभी वहाँ पे होती नहीं। हमारे जो नेता योगी जी, मोदी जी और शाह साहब, इनकी ये सब काम है, इनका काम है। और उत्तर प्रदेश जो एक संदेश देता है पूरे देश में, कुछ संदेश पूरे जनता को मिला है, आने वाले समय में ये मानना चाहिए कि पूरा कांग्रेस का पूरा साफ हो जाएगा, ध्यान में रखना। और अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, परसों के दिन हमारे जो सम्माननीय नेता है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनने जो बॉम्ब फोड़ा है विधानसभा में, उसके ऊपर से आप देख लेना आने वाले 10-15 दिन में क्या होता है।